हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका एक बार फिर से डॉक्टर धीरेन कुमार बॉटनी क्लास यूट्यूब चैनल में। और आज का हमारा जो टॉपिक है वो टॉपिक है बीएससी थर्ड ईयर के बायोटेक्नोलॉजी पेपर का टॉपिक, और टॉपिक का नाम जो है वो है प्रोटोप्लास्ट आइसोलेशन या जीव द्रव्य संवर्धन या जीव द्रव्य पृथक्करण। अब यहाँ अपन एक चीज़ पहले बात करते हैं कि प्रोटोप्लास्ट से मतलब क्या समझते हैं अपन, या प्रोटोप्लास्ट किसको बोलते हैं, व्हाट इज प्रोटोप्लास्ट, या जिसको अपन प्रोटोप्लास्ट है उसका अर्थ क्या है। अपन देखते हैं कि नॉर्मली प्लांट सेल जो है, प्लांट सेल के ऊपर एक और आवरण होता है जिसको अपन सेल वॉल बोलते हैं। ठीक है, जंतु कोशिकाओं में सेल वॉल नहीं होती, वहाँ पर सीधे क्या होती है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है। लेकिन पादप कोशिकाओं के अंदर प्लाज्मा मेम्ब्रेन के ऊपर एक और लेयर होती है, एक और परत होती है, एक और आवरण होता है, जिस आवरण को अपन क्या बोलते हैं, सेल वॉल बोलते हैं। और ये जो सेल वॉल है वो सेल्युलोज, हेमीसेल्युलोज, पेक्टिन पदार्थ, जाइलेंस, इन सब से मिलकर बनी होती है। अब अपन देखते हैं कि टिश्यू कल्चर के अंदर प्रोटोप्लास्ट इम्पॉर्टेंट क्यों है। अच्छा, पहले बात कर रहे हैं प्रोटोप्लास्ट में क्या है। तो ये जो सेल वॉल जो है, इस सेल वॉल को अगर अपन हटा देते हैं, यानी सेल वॉल रहित या विदाउट सेल वॉल जो प्लांट सेल है जिसमें केवल प्लाज्मा मेम्ब्रेन हो, ऐसी सेल को अपन क्या बोलते हैं, प्रोटोप्लास्ट बोलते हैं। ठीक है, तो प्रोटोप्लास्ट का मतलब तो समझ में आ गया कि प्रोटोप्लास्ट में, प्रोटोप्लास्ट क्या है कि सेल वॉल रहित या कोशिका भित्ति रहित पादप कोशिका को अपन क्या बोलेंगे, प्रोटोप्लास्ट बोलते हैं। अब अपन देख रहे हैं कि प्रोटोप्लास्ट की आवश्यकता क्यों पड़ रही है, कहाँ जरूरत हमें टिश्यू कल्चर के अंदर प्रोटोप्लास्ट की। तो नॉर्मली अपन देखते हैं कि टिश्यू कल्चर के दौरान अपने इनिशियल कुछ साइंटिस्ट थे जिन्होंने दो विभिन्न प्रजातियों के पौधों में हाइब्रिडाइजेशन कर नई प्रजाति या संकर प्रजाति बनाने की कोशिश की। तो यहाँ अपन देखते हैं कि चूंकि पादप कोशिका के ऊपर कोशिका भित्ति होती है, और कोशिका भित्ति जो है वो विभिन्न प्रजातियों में उसके जो कंटेंट होते हैं, मेजर कंटेंट तो है ही, ये सेलुलोज, पेक्टिनोज, सेलुलोज है और पेक्टिन है, इनके अलावा हेमी सेलुलोज है, इनके अलावा कुछ और स्पेसिफिक कंटेंट भी होते हैं जिसकी वजह से ये एक बड़ी बाधा है हाइब्रिडाइजेशन के अंदर या संकरण के अंदर बड़ी बाधा साबित होती है। इसी कारण अगर अपन इस बाधा को हटा दें तो अंदर की तरफ क्या होती है, केवल प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। और चाहे किसी भी प्रजाति की देखें अपन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन में पीएलपी स्ट्रक्चर यानी प्रोटीन लिपिड प्रोटीन स्ट्रक्चर ही होती है जिसकी वजह से सेल्स को हाइब्रिडाइज करना आसान हो जाता है। इसी कारण टिश्यू कल्चर के अंदर या पादप उत्तक संवर्धन के अंदर हम अगर संकर प्रजातियां बनाना चाहते हैं या दूसरे किसी कारणों से अगर अपने को प्रोटोप्लास्ट की आवश्यकता पड़ती है, तो ऐसी स्थिति में हम पादप कोशिकाओं से प्रोटोप्लास्ट को पहले आइसोलेट करते हैं, पृथक्करण करते हैं, यानी कि उनसे प्रोटोप्लास्ट को निकालना, यानी सेल वॉल को हटाना। सिंपल से क्या है, सेल वॉल को हटाना ताकि हम प्रोटोप्लास्ट को आइसोलेट कर सकें या पृथक कर सकें। तो यही आज का टॉपिक है अपना कि प्रोटोप्लास्ट को पृथक कैसे करेंगे, उसका आइसोलेशन कैसे करेंगे हम। ठीक है, तो उसके लिए अपन देखते हैं कि इसकी हिस्ट्री भी देख लेते हैं, कुछ हिस्ट्री इसकी देख लेते हैं या इसका इतिहास की बात करते हैं अपन। जैसे 1927 के अंदर सबसे पहले ई कुस्टर जो है उन्होंने टमाटर का जो पल्प है उस पल्प से क्या प्राप्त किया, प्रोटोप्लास्ट प्राप्त करने की कोशिश की। देन 1960 के अंदर इसी कॉकिंग ने सबसे पहले एंजाइमेटिक मेथड से क्या प्राप्त किया, प्रोटोप्लास्ट को प्राप्त किया। देन 1968 के अंदर आई तकाबेव और उनके सहयोगियों ने सेलुलेज और मैक्रोजाइम द्वारा निकोशियाना की पर्ण मध्यो तक का प्रोटोप्लास्ट अलग किया। ठीक है, देन 1971 पीएस कार्लसन ने निकोशियाना ग्लाउकी और निकोशियाना लॉन्गस्डॉर्फी दो विभिन्न प्रजातियों का संकरण कर एक संकर प्रजाति बनाई, और वो किसके द्वारा बनाई, प्रोटोप्लास्ट के फ्यूजन के द्वारा। ठीक है, इसी तरह से अगर अपन देखें, जीलर और सहयोगियों ने 1978 के अंदर निकोशियाना सिल्वेस्ट्रिस
और निकोसियाना टैबेकम, इन दोनों को फ्यूज कर कर एक संकर प्रजाति बनाई। इस तरह से अगर अपन बात करें, मेल्चर और सहयोगियों ने पोमेटो नामक प्लांट बनाया प्रोटोप्लास्ट फ्यूजन के द्वारा, जिसमें टमाटर और आलू इन दोनों की प्रोटोप्लास्ट को यानी सेल वॉल रहित सेल को आपस में फ्यूज कर कर संकर पौधे का निर्माण किया। तो यहाँ देख सकते हैं कि हमें प्रोटोप्लास्ट की कहाँ पर आवश्यकता है, मेनली अपन देखते हैं संकर प्रजाति बनाने के अंदर, जहाँ सेल वॉल इसके लिए बाधा ना बने। अब अपन बात करते हैं कि इसका जो प्रोटोप्लास्ट है, उस प्रोटोप्लास्ट को हम प्लांट के किस भाग से प्राप्त कर सकते हैं, या पौधे का कौन सा एक्स प्लांट जो है, कर्तो उत्तक जो है, जिससे हम प्रोटोप्लास्ट प्राप्त कर सकें। तो पादप के लगभग तो सभी पार्ट, यानी कि जड़ से लेकर उसके पत्ती फ्लावर, कोई भी पार्ट जो एक्टिवली ग्रोविंग हो रहा है, एक्टिवली यानी सक्रिय रूप से जो वृद्धि कर रहा हो, उसको हम एक्स प्लांट के तौर पर या कर्तो उत्तक के तौर पर ले सकते हैं, जिससे हम प्रोटोप्लास्ट को प्राप्त कर सकें। जैसे अगर अपन बात करें, इसकी रूट है, शूट है या पर्ण है, इन सब के जो प्ररो है, जैसे मूल प्ररो है या शूट प्ररो है या पत्ती, जो नई पत्तियां जो है निकल रही है, उन सभी से अपन प्राप्त कर सकते हैं। या पुष्पीय उत्तक है, पुष्पीय उत्तक के अंदर अपन देख रहे हैं दल से या जनन अंगों, इनसे प्राप्त कर सकते हैं। या कैलस कोशिका, उनसे हम प्राप्त कर सकते हैं। इसी तरह से अगर अपन देखें कि अंकुरित बीज जो है, उनके बीज पत्राधार से या बीज पत्र से भी हम क्या प्राप्त कर सकते हैं, प्रोटोप्लास्ट प्राप्त कर सकते हैं। कहने का मतलब है कि अगर एक्टिवली ग्रोविंग सेल्स हैं या सक्रिय रूप से वृद्धि करने वाली सेल्स हैं, उन सेल से हम क्या प्राप्त कर सकते हैं, प्रोटोप्लास्ट प्राप्त कर सकते हैं। नाउ इसके मेथड कौन कौन से हैं, या प्रोटोप्लास्ट को अलग करने की कौन कौन सी विधियाँ हैं। नॉर्मली देखते हैं अपन इनिशियली या शुरुआती दौर में एक विधि सबसे ज़्यादा प्रचलित थी, और वो थी मैकेनिकल या यांत्रिक मेथड। हालांकि आज के दौर में हम इस विधि को काम में नहीं लेते हैं। इस विधि के अंदर देखते हैं कि जो पादप एक्सप्लांट था, जिससे हमें प्रोटोप्लास्ट प्राप्त करना था, उस एक्सप्लांट के छोटे छोटे टुकड़े कर हम हाइपरटोनिक सोल्यूशन में उसको डाल देते थे, जिसकी वजह से क्या होगा, सेल के पानी जो है वो बाहर की तरफ निकलता है और प्लाज्मोलाइसिस यानी जीव द्रव्य कुंचन होता है, और इस जीव द्रव्य कुंचन की वजह से उसका जो प्रोटोप्लास्ट है वो एक तरफ हो जाता है और सेल वॉल एक तरफ हो जाती है, यानी कि प्रोटोप्लास्ट सेल वॉल से अलग हो जाता है। अब इन कोशिकाओं को माइक्रोस्कोप के नीचे ऑब्जर्वेशन में रखकर हम एक बारीक चाकू से या ब्लेड से इन सेल वॉल को कट करते थे, अलग करते थे, यानी कि यांत्रिक रूप से मैकेनिकली अपन एक एक सेल में से क्या करते हैं, सेल वॉल को कट कर निकालते हैं। तो ये जो मेथड है वो बहुत पहले तक इनिशियली तौर पर काम में आता था, लेकिन आज के दौर में इसका कोई उपयोग नहीं है। क्यों? क्योंकि ये बहुत थकाऊ, बहुत उबाऊ प्रक्रिया है, जिसमें मैकेनिकली एक एक सेल को हमें क्या करना पड़ता था, एक एक सेल से प्रोटोप्लास्ट को आइसोलेट करना पड़ता था। तो ये तो कहलाई कौन सी, मैकेनिकल विधि या मैकेनिकल प्रोसेस। अभी फिर बता देते हैं अपन इसको, एक कि अभी अपन ने बताया कि सेल को किसके अंदर रखते हैं, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन के अंदर, जैसे 13% मैनिटोल, मैनिटोल भी क्या है, एक प्रकार का शुगर सॉल्यूशन है, ठीक है। तो हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में अगर अपन सेल्स को रखते हैं, मान लो ये अपने पास में एक्स प्लांट है, कई सारी सेल्स मौजूद हैं, जिसमें अभी ये कैसा है, प्रोटोप्लास्ट सेल वॉल से लगा हुआ है नॉर्मल कंडीशन के अंदर। जब इसको हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में रखते हैं तो ऐसी स्थिति में क्या होगा, इसका पानी बाहर निकलने लगता है, ठीक है, और सेल प्लाज्मोलाइट जाती है। तो यहाँ पर प्लाज्मोलाइट सेल को अगर मैं दिखाऊं तो किस तरह से दिखाई देंगी, इसका जो प्रोटोप्लास्ट है वो सेल वॉल से अलग हट जाता है, इसको अपन प्लाज्मोलाइज्ड सेल बोलते हैं, जीव द्रव्य कुंचित सेल। अब इन सेल्स को या इन उत्तकों को अपन किसके अंदर रखते हैं, माइक्रोस्कोप पर, स्लाइड के ऊपर रखते हैं, और माइक्रोस्कोप से देखते हुए ये जो सेल वॉल है, इस सेल वॉल को एक तीखे ब्लेड से या चाकू से अपन क्या कर देते हैं, इसको काट देते हैं। तो यहाँ अपन देखते हैं कि एक एक सेल को क्या करना पड़ता है, सेल वॉल को काट कर प्रोटोप्लास्ट को अलग करना पड़ता था। तो ये कहलाएगी कौन सी, मैकेनिकल विधि। लेकिन चूंकि ये विधि बहुत ज़्यादा उबाऊ और बहुत ज़्यादा थकाऊ है, क्यों, क्योंकि इसमें केवल कुछ सेल प्रोटोप्लास्ट प्राप्त करने के लिए ही बहुत ज़्यादा परिश्रम करना पड़ता था, तो आज की तारीख में इस विधि को काम में नहीं लिया जाता है। नाउ दूसरी मेथड कौन सा है, एंजाइमेटिक मेथड।
या अपन बात कर रहे हैं किसकी, एंजाइम्स के द्वारा, ठीक है, विकर के द्वारा हम कैसे प्रोटोप्लास्ट को प्राप्त कर सकते हैं। इसके अंदर अपन देखते हैं कि इसके कुछ प्रोसेस हैं। अब एंजाइम का मतलब क्या हो गया यहाँ पर, कि कुछ ऐसे एंजाइम जो सेल वॉल के अंदर जो कंपोनेंट हैं उन कंपोनेंट को घोल सके या उनको तोड़ सके। जैसे मेनली कंपोनेंट कौन कौन से होते हैं, सेल्यूलोज है, हैमी सेल्यूलोज है, पेक्टिन्स पदार्थ हैं, जाइलेंस हैं, इन सब को तोड़कर अलग करना। तो ऐसे एंजाइम क्या कहलाएंगे, ऐसे एंजाइम जो इन पदार्थों को तोड़ सके, और इन एंजाइम की खोज के बाद में एंजाइमेटिक मेथड के द्वारा क्या है, प्रोटोप्लास्ट को अलग किया गया। जैसे कॉमन अपन बात करते हैं कौन कौन से एग्जाम है, तो पहले अपन स्टेप बाय स्टेप बात कर लेते हैं। पहला स्टेप है, जो भी अपन एक्स प्लांट ले रहे हैं उस एक्स प्लांट का सरफेस स्टरलाइजेशन करना या सतह निर्जमीकरण करना, यानी कि क्योंकि टिश्यू कल्चर में काम में ले रहे हैं इसलिए जो भी एक्सप्लांट काम में ले रहे हैं उसको पहले सरफेस स्टरलाइज करना आवश्यक है। तो इसके लिए जो सरफेस स्टरलाइजेशन वाले सॉल्यूशन हैं, जैसे मर्क्यूरी क्लोराइड है या सोडियम हाइपोक्लोराइट है या ब्रोमीन वाटर है, क्लोरीन वाटर है, इन सब के में से कोई एक यूज़ करते हुए हम क्या करते हैं, जो पदार्थ अपन ने लिया है, जो एक्सप्लांट लिया है, उसको क्या करते हैं, सरफेस स्टरलाइजेशन करते हैं, यानी कि उसकी सतह को निर्जमित करते हैं। उसकी सतह के ऊपर अगर किसी प्रकार के माइक्रोब्स हैं, उन माइक्रोब्स को नष्ट करने के लिए, उनको हटाने के लिए क्या करते हैं, इस एक्सप्लांट को पहले ऐसे सॉल्यूशन के अंदर कुछ समय तक एक या दो मिनट के लिए रखते हैं, फिर उसको वापस वॉश करते हैं डबल डिस्टिल वाटर से, ठीक है, ताकि अब अपना जो एक्सप्लांट है उस पर किसी प्रकार का कंटामिनेशन या किसी प्रकार के माइक्रोब्स के ऊपर हट जाए, जो भी अगर है तो वो हट जाए या नष्ट हो जाए। देन नेक्स्ट मेथड है कौन सा, रिमूवल, नेक्स्ट स्टेप है रिमूवल ऑफ एपिडर्मिस। अब नॉर्मली अपन एक्सप्लांट जो काम में लेते हैं वो पत्ती काम में लेते हैं, जिसको हैंडल करना आसान होता है, जिससे प्रोटोप्लास्ट को अलग करना भी आसान होता है। तो यहाँ अपन देखते हैं कि जो पत्ती अपन ने काम में ली किसी प्लांट की, तो उसकी नीचे की एपिडर्मिस को रिमूव करते हैं, ताकि एपिडर्मिस रिमूव करने के बाद में एंजाइम जो है जिस सॉल्यूशन में अपन रखे वहाँ पर सेल सीधे संपर्क में आ जाए। तो चिमटी की सहायता से अपन क्या करते हैं, एक बारीक चिमटी की सहायता से नीचे की एपिडर्मिस को पूरा हटा देते हैं, जो भी पत्ती अपन ने काम में लिए। देन अब इसके छोटे छोटे टुकड़े कर, ठीक है, इस पत्ती के छोटे छोटे टुकड़े कर डिस्क कटर से अपन छोटे छोटे टुकड़े कर क्या करते हैं, या कैंची की सहायता से छोटे टुकड़े कर उनको ऐसे सॉल्यूशन में रखते हैं जिसके अंदर एंजाइम्स हो, ठीक है। अब एंजाइम कौन कौन से काम में ले सकते हैं, अपन पहले बात कर लेते हैं एंजाइम की, फिर अपन देखते हैं कि इनको एंजाइमेटिक मेथड कौन कौन से मेथड काम में लेंगे एंजाइम्स के लिए। तो एंजाइम कौन कौन से हैं, जैसे सेल्यूलोज को विघटित करने वाले एंजाइम, जिससे सेल्यूलोज जो है वो विघटित हो जाए या नष्ट हो जाए या घुल जाए, उसके लिए अपन देखते हैं जैसे सेल्यूलोज ओनोजुका आर टेन जिसको ट्राइकोडर्मा रिसिस से प्राप्त किया गया, इसी तरह से ड्राइलेज जो है इरपेक्स लैक्टिस से जिसको प्राप्त किया गया है, इन दोनों एंजाइमों को सेलुलोज को विघटन करने के लिए काम में लेते हैं। इसी तरह से अपन बात करें हेमीसेलुलोज को विघटित करने के लिए, हेमीसेल्यूलेज एंजाइम जो कि एस्परजिलस नाइगर से प्राप्त किया गया, इसी तरह से राइजोजाइम HP150 इसको भी एस्परजिलस नाइगर से प्राप्त किया गया। इन दोनों एंजाइमों के उपयोग से हम हेमीसेल्यूलोज जो है उसको भी क्या कर सकते हैं, अपघटित कर सकते हैं। इसी तरह से पेक्टिन पदार्थ जो कि सेल वॉल के बीच में जमा होता है, दो सेल्स के बीच में जमा होता है, तो पेक्टिन पदार्थ को विघटन करने के लिए कुछ एंजाइम काम में लेते हैं, जैसे पेक्टिनेज है, मैसरोजाइम है, पेक्टिनोल एसी है, पेक्टिक एसिड एसिटाइल ट्रांसफरेज है, जिन सब का अलग अलग स्रोत हो सकता है। जैसे अगर अपन बात करें पेक्टिनेज को एस्परजिलस नाइगर से प्राप्त किया, मैसरोजाइम को राइजोपस स्पीसीज से प्राप्त किया, पेक्टिनोल एसी को एस्परजिलस नाइगर से, इस तरह से पेक्टिक एसिड एसिटाइल ट्रांसफरेज जो एस्परजिलस जैपोनिकस से प्राप्त किया, ये सभी क्या है, फंगस है, जो इसका मेन स्रोत कौन सा है, फंगस, इन फंगस से हमने ये एंजाइम्स प्राप्त किए हैं। नाउ अपन देखते हैं कि इन एंजाइमों को यूज करते हुए हम कौन कौन से दो मेथड काम में ले सकते हैं। तो पहला मेथड है मिक्स एंजाइमेटिक मेथड,
और दूसरा है सक्सेसिव एंजाइमेटिक मेथड। तो मिक्स एंजाइमेटिक मेथड का मतलब है कि जिसमें हम सेल्यूलोज, हेमी सेल्यूलोज और पेक्टिन, इन तीनों को विघटित करने वाले एंजाइमों को एक साथ एक सॉल्यूशन में मिलाते हैं। जैसे अपन देखते हैं कि इस प्रक्रिया के लिए जो अपन ने लीफ के छोटे छोटे टुकड़े काटे हैं जिनकी एपिडर्मिस अपन ने रिमूव कर दी, उन टुकड़ों को सबसे पहले अपन किसके अंदर रखते हैं, सेल्यूलेज पेक्टिनेज एंजाइम और साथ में सॉर्बिटोल और मैनिटोल। सॉर्बिटोल और मैनिटोल क्या हैं, दोनों कार्बोहाइड्रेट हैं, एक प्रकार की शुगर हैं। इनके विलयन में रखकर पीएच को अपन कितना रखते हैं, 5.5 यानी स्लाइटली एसिडिक पीएच अपन इसके अंदर रखते हैं। और इसके ऊपर रखकर इस विलयन को हम या तो पेट्री प्लेट में या छोटे कॉनिकल फ्लास्क में डालकर अब इनको 24 डिग्री से लेकर 26 डिग्री तक यानी मिनिमम ऑप्टिमम टेम्परेचर जो है इस टेम्परेचर पर रखकर 16 से 18 घंटे तक इसको शेकर के ऊपर, शेकर बोलते हैं हलित्र, एक ऐसी मशीन होती है जिस जो लगातार मूव करती रहती है, इस तरह से हिलती रहती है, ठीक है। और उसका जो रोटेशन हिलने का उसको अपन क्या कर सकते हैं, मैन्युअली मेंटेन कर सकते हैं। तो उसका रोटेशन करीब कितना रखना है, 10 से 20 आरपीएम यानी रोटेशन पर मिनट, एक मिनट में वो 10 से 20 बार इस तरह से हिल जाए, उसको अपन हलित्र बोलते हैं, शेकर बोलते हैं, ठीक है। तो उस शेकर या हलित्र के ऊपर कॉनिकल फ्लास्क में इस विलियन के अंदर अपन क्या करते हैं, ये टुकड़े रख देते हैं, जिससे कुछ समय बाद में क्या होगा, 16 से 18 घंटे की बात करें तो ऐसी स्थिति में जितना भी प्रोटोप्लास्ट है, सेल वॉल जो है, वो सेल वॉल इन विघटनकारी एंजाइम के द्वारा क्या हो जाएगी, विघटित हो जाएगी, नष्ट हो जाएगी और प्रोटोप्लास्ट अलग हो जाएगा। अब चौथे स्टेप के अंदर इसको क्या करेंगे, अपन आइसोलेट करेंगे या प्रोटोप्लास्ट को इस कचरे से अलग करेंगे, यानी कि जो सेल वॉल का कचरा है, तो वो अलग मेथड अपन इसको डिस्कस करेंगे। दूसरा इसका जो है यानी एंजाइमेटिक का जो दूसरा मेथड है, सक्सेसिव एंजाइमेटिक मेथड है यानी अनुक्रमिक, जिसमें हम सारे एंजाइम एक साथ नहीं डालते हैं, बल्कि अपन देखते हैं कि सबसे पहले अपन क्या करते हैं, जो पत्तियों के टुकड़े हैं उन पत्तियों के टुकड़े को 0.5% पेक्टिनेज, 0.3% पोटेशियम डेक्सट्रेज तथा 13% मैनिटोल के विलयन के अंदर करीब 15 मिनट तक गर्म करते हैं। और इसके बाद में इस मिश्रण का क्या करते हैं, अपन सेंट्रीफ्यूगेशन करते हैं। अब सेंट्रीफ्यूज क्या है, सेंट्रीफ्यूज एक मशीन है जो कि डेंसिटी के अकॉर्डिंग क्या करती है, जो पदार्थ है उसको अलग कर देती है डेंसिटी के अकॉर्डिंग या घनत्व के अकॉर्डिंग। जैसे इस प्रकार की मशीन होती है, आपने अगर देखा होगा, जिसके अंदर एक रोटर लगा हुआ होता है और उसके अंदर आर्म्स होती है। इन आर्म्स के अंदर अपन क्या करते हैं, अपनी जो ट्यूब है, जिस ट्यूब के अंदर अपने सारा विलयन और टुकड़े डाल रखे हैं, ठीक है, अब इसको घुमाते हैं। और इस घुमाने को भी अपन क्या कर सकते हैं, मैन्युअली कंट्रोल कर सकते हैं, रोटेशन पर मिनट, तो 10,000 रोटेशन पर मिनट, 20,000 रोटेशन मिनट, और कई बार अपन देखते हैं अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूज जो है उससे हम 1,00,000 रोटेशन पर मिनट तक भी क्या कर सकते हैं, उसको घुमा सकते हैं। तो जो भी पदार्थ हैं वो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगता है उस पदार्थ के ऊपर जो इस ट्यूब के अंदर है, एपेंड्रिव ट्यूब जिसको अपन बोलते हैं। और यहाँ अपने अपने भार के अकॉर्डिंग क्या होगा, इसमें एक लेयर बन जाती है। तो यहाँ अपन देख रहे हैं कि इसको क्या करेंगे हम, जो पहला स्टेप था जिसमें अपन ने क्या किया, 0.5% पेक्टिनेज, 0.3% पोटेशियम डेक्सट्रोज और 13% मैनिटोल के साथ में अपन क्या करते हैं, सेंट्रीफ्यूज करते हैं, ठीक है, 15 मिनट पर गर्म करने के बाद में, जिससे क्या होगा कि पेक्टिन पदार्थ जो है वो विघटित हो जाएंगे। अब दूसरे स्टेप में अपन क्या करते हैं, जो पैलेट अपन को प्राप्त हुआ, पैलेट यानी कि नीचे की तरफ जो इसका डेंस मटेरियल प्राप्त हुआ है, इस डेंस मटेरियल को अपन फिर से वापस क्या किसमें घोलेंगे, दूसरा जो मिश्रण है। और दूसरा मिश्रण कौन सा है, 2% सेल्यूलेज और 13% मैनिटोल, और साथ में इसकी पीएच 5.5 पर रखते हैं और इसको करीब 1 से 1.5 घंटे तक 30 डिग्री पर गर्म करते हैं। और इसके बाद में इसका फिर से क्या कर लिया जाता है, सेंट्रीफ्यूगेशन कर लिया जाता है, ठीक है। और अब इसको बाकी के जो एंजाइम है, मैसरोजाइम है, हेमीसेल्युलोज है उसके अंदर रखकर इसको कुछ समय तक रखा रहने देते हैं, जिससे तीनों प्रकार के पदार्थ यानी सेल्युलोज, हेमीसेल्युलोज और पेक्टिनेज जो है वो इससे अलग हो जाए, ठीक है। और अब ये जो प्रोटोप्लास्ट है, इस प्रोटोप्लास्ट को अपन
जो है वो सेल वॉल से अलग हो जाएगा, यानी सेल वॉल जो है वो सारे कंटेंट जो है सेल वॉल के वो विघटित हो जाएंगे। अब इस सॉल्यूशन के अंदर चाहे ऊपर वाले मेथड से बात की अपन ने, चाहे नीचे वाले मेथड से बात की, दोनों के अंदर ही क्या होगा, प्रोटोप्लास्ट प्लस सेल वॉल का कचरा, ठीक है, या सेल डेब्रिज जिसको अपन बोलते हैं सेल वॉल डेब्रिज जो है उनको अलग कैसे करेंगे, यानी शुद्ध रूप से प्रोटोप्लास्ट को अलग कैसे करेंगे, तो वो मेथड कहलाता है आइसोलेशन ऑफ प्रोटोप्लास्ट। ठीक है, अब आइसोलेशन के लिए अपन देखते हैं कि दो मेथड काम में ले सकते हैं, दो से ज़्यादा भी है, लेकिन नॉर्मली अपन देखते हैं कि पहला मेथड जो है वो सेडिमेंटेशन का है और दूसरा मेथड है कौन सा, फ्लोटेशन का मेथड है। और भी कई सारे मेथड काम में ले सकते हैं, लेकिन चूंकि अपन बीएससी लेवल की बात कर रहे हैं तो एक नॉर्मल जो टॉपिक है उसके अकॉर्डिंग ही अपन बात करेंगे। ठीक है, एमएससी लेवल की बात करें तो और भी कई सारी विधियां काम में ले सकते हैं अपन। तो जो सेडिमेंटेशन है यानी कि इसको अलग करना, सेडिमेंट करना, ठीक है, इसके लिए अपन क्या करते हैं कि सबसे पहले जो सॉल्यूशन अपना बचा, जो सॉल्यूशन है जिसके अंदर अपना डेब्रिज है, सेल वॉल की डेब्रिज और साथ में प्रोटोप्लास्ट, इन दोनों को ही अपन क्या करते हैं, सेंट्रीफ्यूज करते हैं। लेकिन सेंट्रीफ्यूजन के समय अपने साथ में क्या डालते हैं उसके अंदर, उसके ऊपर डिपेंड करता है। तो अगर अपन नॉर्मल सेंट्रीफ्यूज करते हैं तो ऐसी स्थिति में चूंकि सेल वॉल जो है उसके टुकड़े जो है छोटे छोटे टुकड़े वो सबसे ऊपर की तरफ एक लेयर बना देंगे और जो प्रोटोप्लास्ट है वो नीचे की तरफ लेयर बना देगा, यानी कि जो एपेंडिक्स ट्यूब है इस एपेंडिक्स ट्यूब में सबसे नीचे की तरफ क्या हो जाएंगे, प्रोटोप्लास्ट, ऊपर की तरफ डेब्रिज आ जाती है। इन डेब्रिज को अपन पिपेट की सहायता से अलग कर लेते हैं और फिर से वापस सॉल्यूशन डालकर इसको फिर से क्या करते हैं, सेंट्रीफ्यूज करते हैं, और ऐसा अपन 4-5 बार करते हैं जिससे धीरे धीरे इसके अंदर मिक्स हुआ हुआ जितना भी कचरा है वो कचरा अलग हो जाता है और उसके बाद में जो प्रोटोप्लास्ट है उस प्रोटोप्लास्ट को अपन शुद्ध रूप से प्राप्त कर सकते हैं। यहाँ एक चीज़ समझने योग्य है कि हम केवल सैद्धांतिक रूप से ये सब चीज़ें बता रहे हैं, क्योंकि बीएससी लेवल तक हम केवल एक नॉर्मल टॉपिक के रूप में इसको पढ़ रहे हैं। यहाँ ये सब चीज़ें इतनी आसान नहीं है, अगर अपन प्योर एक्सपेरिमेंटल रूप से करें या रिसर्च के रूप में करें तो प्रॉपर प्रोटोकॉल जो है इसका वो प्रोटोकॉल अपन को अपनाना पड़ता है। तो केवल अपन सैद्धांतिक रूप से बता रहे हैं मोटे तौर पर कि कैसे इस प्रक्रिया को कर सकते हैं। ठीक है, तो ये प्रक्रिया अपन चार पाँच बार दोहराते हैं और उसके बाद में जो अल्टीमेटली जो पैलेट है उस पैलेट के अंदर क्या बच जाता है अपने पास में, प्रोटोप्लास्ट बच जाता है। तो ये तो हुआ कौन सा, सेडिमेंटेशन प्रोसेस। दूसरा है फ्लोटेशन प्रोसेस। फ्लोटेशन प्रोसेस में अपन देखते हैं कि इस मिश्रण के अंदर जो सेंट्रीफ्यूज कर रहे हैं उसके अंदर अपन कुछ शुगर जो है उस शुगर को भी डाल दें। अब शुगर कौन सी, जैसे मैनिटोल है, सॉर्बिटोल है, सुक्रोज का सॉल्यूशन डालते हैं जिसकी वजह से सांद्रता अपवर्णता यानी कि कंसंट्रेशन, इसको वर्ड है कंसंट्रेशन के अकॉर्डिंग यानी सांद्रता के अकॉर्डिंग अपन देखते हैं कि चूंकि शुगर का सॉल्यूशन जो है वो हैवी सांद्रता होती है उसकी या उसकी कंसंट्रेशन ज़्यादा होती है, तो ऐसी स्थिति में अपन देखते हैं कि जो प्रोटोप्लास्ट है वो हल्का होने की वजह से ऊपर की तरफ तैर के आ जाए, यानी कि ऊपर की तरफ लेयर किसकी बन जाती है, डेब्रिज की नहीं होकर किसकी लेयर बनेगी, ऊपर की तरफ प्रोटोप्लास्ट की लेयर बनती है। ठीक है, जिसको हम पिपेट की सहायता से अलग कर लेते हैं और यहाँ पर भी हम ये प्रक्रिया 4-5 बार दोहराते हैं ताकि विशुद्ध रूप से अपने पास में क्या हो, प्रोटोप्लास्ट प्राप्त हो जाए। ठीक है, एक और मेथड काम में जिसमें अपन माइक्रो सीव जो काम, सीव का मतलब तो चलनी, यानी कि ऐसी चलनी जिसकी जो पोर्स है जो वो काफ़ी छोटी, जिससे प्रोटोप्लास्ट छनकर नीचे आ जाए और डेब्रिज जो है वो ऊपर की तरफ रह जाए, तो उसको भी अपन काम में लेते हैं। तो अकॉर्डिंग टू अपना प्रयोग क्या है, या अगर जो प्रोटोकॉल है किसी प्रोटोकॉल के तहत कर रहे हैं तो उसके अकॉर्डिंग अपन को क्या करना पड़ता है, इसको आइसोलेट करना पड़ता है, कोई एक मेथड काम में लेना पड़ता है। और चाहे कोई भी मेथड काम में लिया हुआ अल्टीमेटली अपने पास में क्या प्राप्त होते हैं, प्रोटोप्लास्ट प्राप्त होते हैं, यानी कि सेल वॉल रहित सेल या कोशिका भित्ति रहित कोशिकाएँ, जिसको अपन क्या बोलते हैं, प्रोटोप्लास्ट बोलते हैं। और अब इन प्रोटोप्लास्ट को हम दूसरे प्रयोगों में काम में ले सकते हैं। तो ये तो अपना आज का टॉपिक था कि प्रोटोप्लास्ट क्या है और प्रोटोप्लास्ट को आइसोलेट कैसे कर सकते हैं। नेक्स्ट अपन देखेंगे कि प्रोटोप्लास्ट का उपयोग कैसे कर सकते हैं या प्रोटोप्लास्ट का हाइब्रिडाइजेशन यानी प्रोटोप्लास्ट को संकरित कर नई संकर प्रजातियां कैसे बनाते हैं, तो वो अपन नेक्स्ट वीडियो के अंदर देखेंगे।
तो उम्मीद करता हूँ तब तक आप इस टॉपिक को पढ़ेंगे, एक बार बुक से भी पढ़ेंगे। कुछ टर्मिनोलॉजी नहीं होती है, इसलिए बेसिक हमें जरूर क्लियर होना चाहिए हमारा किसी भी टॉपिक को समझने के लिए। जैसे कि हाइपरटोनिक सॉल्यूशन क्या है, जो कि एक नॉर्मल चीज़ है, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन क्या है, एंजाइम्स क्या होते हैं, सेलुलोज क्या है, हेमीसेलुलोज क्या है, कोशिका भित्ति के घटक होते हैं, जो कि आप फर्स्ट ईयर में पढ़ चुके हैं। तो बेसिक अगर आपका क्लियर होगा तो इस टॉपिक को ईजिली समझ पाएंगे। तो अगर आपको टॉपिक अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, इसके ऊपर कमेंट्स लिखिए।